ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठा पार्टी है। झूठ बोलने में झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलकर सत्ता हासिल कर लिए, मगर किसी कोई नौजवान को नौकरी नहीं दिए, ना उन्हें हिंदुस्तान भला के लिए कोई काम नहीं किए। मगर यहाँ पर भी एक मेरा अच्छा दोस्त है, इनका नाम असद भाई। साहब मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपको, हमेशा कांग्रेस पार्टी को दर इस्लाम में टोकने के लिए, अरे पीवी नरसिंह राव जी ने जब प्राइम मिनिस्टर था तब बाबरी मस्जिद को तोड़ने में उन्होंने मदद दी है, इसीलिए हमको कांग्रेस, हम कांग्रेस पार्टी को एतराज कर रहा है। होगा आपको तकलीफ, अब एतराज किया होगा, मगर आज के तारीख में आप केसीआर के गोद में बैठा हुआ है ना, वो केसीआर पीवी नरसिंह राव बेटी को, पीवी वाणी देवी को आज के तारीख में उनके कैंडिडेट बनवा के इलेक्शन में करवाया। अब आज किसको वोट डालने वाले, मोदी को, रामचंद्र राव पार्टी को वोट डालने वाले, नहीं तो पीवी नरसिंह राव बेटी केसीआर पार्टी को वोट डालने वाले, आप किसके तरफ है, आप मुसलमान के तरफ है या नहीं, तो केसीआर के तरफ से पीवी जी को, बेटी को आप मदद करना चाह रहे हैं। मैं यही सवाल हमारे साहब से मैं पूछना चाह रहा हूं, आप मोदी के जोड़ी है या नहीं है, तो पीवी के दोस्त है, अब किसको किसको मदद देने वाले। जो सेक्युलर पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी ने गरीब मुसलमानों का गरीबी देखकर, गली गली में मोहल्ला में हर गरीब मुसलमान को देखकर उनको तरक्की करवाने के लिए, उनके बच्चों को पढ़ा लिखाने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर लायर साइंटिस्ट बनवाने के लिए उनको 4% रिजर्वेशन देकर आज मुसलमान के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, बोले तो ये कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के लिए, आपका तरक्की के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की। केसीआर साहब ने यह ऐलान किया शाद नगर में 2014 में, अगर केसीआर सत्ता में बैठे तो 4 महीने में 12% रिजर्वेशन देने के लिए ऐलान किया था शाद नगर में। मैं पूछ रहा हूं 7 साल हो गए, 7 साल में 1% भी ज्यादा नहीं दिया और मुसलमानों को नौकरी भी नहीं दी। जो उर्दू कॉलेज, जो उर्दू स्कूल चल रहे हैं वहां पर टीचर्स का भी भर्ती नहीं किए, वो सेल्फ फाइनेंस में, जो गरीब बच्चे उर्दू पढ़ने के लिए रुपए रुपए एक एक पैसा जमा कर लेके टीचरों को पैसे देके आज उर्दू पढ़ रहे। मेरा कोसगी में, मेरा कोडंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इंटरमीडिएट का मुसलमान बच्चे बच्चे जो इंटरमीडिएट पढ़ रहा है उन लोगों को टीचर्स नहीं है, तो 4 टीचरों को 10 साल मई तनखा देकर, हर महीना 40,000 देकर मुसलमान बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए मेरा जेब से, मेरा नौकरी से पैसे निकाल के बच्चों को पढ़ाए। तेलंगाना आने के बाद ये 7 साल में उर्दू सेकंड लैंग्वेज बोलते, उर्दू रिसर्च के लिए कोई सेंटर बनाते बोलते, सब कुछ बोले, मगर एक कदम भी आगे पढ़ा क्या बोलते, मैं आज पूछना चाह रहा हूं तरक्की किसका हुआ केसीआर आने के बाद। होगा मेरे दोस्त साहब का कुछ तरक्की होगा, दोबारा और एक मेडिकल कॉलेज आया होगा, नहीं है तो इंजीनियरिंग कॉलेज आया होगा, या नहीं है तो उनको कुछ फायदा होगा, मगर सही गरीब बच्चों को, मुसलमानों को कुछ फायदा हुआ क्या। फिर क्यों आप परसों जेएचएमसी म्युनिसिपैलिटी में मेयर और डिप्टी मेयर केसीआर का साथ को आप सपोर्ट दिए बोल के मैं साहब से मैं पूछना चाह रहा हूं। मुसलमान इनके हकीकत नहीं समझ रहे बोल के हमारे असद भाई समझ रहा, सबको मालूम पड़ा, जितना दिन चुप चुप के आप कुछ कर सकते, मोदी को या केसीआर को आप हर चुनाव में कौन सी तरीका से आपको उसको मदद दे रहे हैं एक बार सोचो भाई। बीजेपी वाले हमेशा बोलते हम रहा तो एमआईएम को रोक सकते, एमआईएम के खिलाफ हम लड़ सकते। मैं यही पंडित संजय से सवाल पूछना चाह रहा हूँ, अगर परसों आप इलेक्शन में भाग्यनगर भाग्यलक्ष्मी मंदिर को गए और एमआईएम को सवाल किए उसको कम करने में, मगर एक सीट भी एमआईएम का कम नहीं हुआ ना, उनका बराबर उनका हिस्सा उनको मिल गए, आपका बढ़ गया, इसका मतलब क्या, दो जातियों के बीच में दुश्मन लगा क्या, आप राजनीति में फायदा के लिए काम कर रहे हैं, मगर जो मुसलमान या वो हिंदुओं के लिए आप लोग काम नहीं कर रहा है। तो ये सब हकीकत हमारे मुसलमान भाइयों समझना, इस बार ये चुनाव में 50,000 वोट है मुसलमानों के हाथ में, या केसीआर या असद साहब भटकाने के लिए आए तो आप सोचना है, आपका वोट बहुत कीमती है। अब पीवी नरसिंह राव बेटी को जिताना है या नहीं तो नरेंद्र मोदी को जिताना है, ये दोनों को अगर हराना है तो अपना अन्ना डॉक्टर जिल्ला चिन्नारेड्डी अन्ना को आप लोग वोट देना है। अगर सेक्युलर फैब्रिक बचना है,
ये कंट्री सेक्युलर रहना बोले तो कांग्रेस पार्टी जीतना है। ये चिन्नमी के लिए कोई फायदा नहीं है, ये हिंदुस्तान के लिए फायदा होगा, ये तेलंगाना के लिए फायदा होगा, पढ़े लिखे जो बच्चों के लिए फायदा होगा, जो बेरोजगारी है उनके तरफ से आवाज उठाने के लिए एक आवाज चाहिए एमएलसी शासन मंडली में। नहीं ये तो ऐसे कैसे भी 35 गदा है केसीआर साहब के, और एक दो गदा अगर उनके इसमें शामिल हो गए तो कोई फायदा भी नहीं है उनके घड़ी में। ये गदों का इलेक्शन नहीं है, गरीब लोगों के लिए लड़ने का इलेक्शन है ये। गरीब लोगों का आवाज बनकर मंडली में सुनाने का ये वक्त आए। जैसा उत्तर तेलंगाना में जीवन रेड्डी को असेंबली में 50,000 से केसीआर हराए तो शासन मंडली को भेजा वहां के लोग। तेलंगाना के लिए ये चुनाव आया, इस बार केसीआर और मोदी को दोनों को सबक सिखाना है। अगर इस बार सबक सिखाना नहीं तो चोरों का चोर और बड़ा चोर बनेगा, चाकू मार वाले और कुछ पहलवान बनेगा। ये चाकू मार वाले को आपको अच्छा नजर से देखना है, जिसको जिसको जहां पर बिठाना है वहां पर बिठाते बोल के मैं समझ रहा हूं। मित्रुलारा एन्निकल चिन्नान कोसमो कांग्रेस पार्टी को कोसमो का प्रजल कोसम ప్రశ్నించే గొంతుకల కోసం ప్రజా సమస్యల మీద కొట్లాడే గల కోసం ఈ ఎన్నికలు వచ్చినాయి. ఈ ఎన్నికలలో మనం అందరం కలిసికట్టుగా కొట్లాడాలి. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో ఉండే ముఖ్యంగా మైనారిటీ సోదరులు టోటల్ గా ఆలోచన చేసి రామచంద్రరావు చేస్తే మోడీ చేసినట్టు, వాణిదేవికి కేసీఆర్ చేస్తే పివి నరసింహరావు కూతురు చేసినట్టు ప్రతిసారి మమ్మల్ని తిట్టేదే ఆయన చూపించి ఇలా ఆయన కూతురికి ఎట్లా అసద్ భాయ్ సపోర్ట్ చేస్తాడని నేను అడగదలుచుకున్నా. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించండి, మేమందరం అండగా ఉంటాం. మీ అభిమాన నాయకుడు ఫిరోజ్ ఖాన్ ఉన్నాడు, ఆయనకు మేము తోడుగా ఉంటాం. ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ నష్టం వచ్చినా అగర్ ఉంకు కపిబి ఇంకునే ఆప్కే మొహల్లోనే ఆప్కే గల్లీ మే కిసీకా కోయి హమారా మైనార్టీ భాయో కో కుచ్ తక్లీఫ్ ఆయే తో ఫిరోజ్ ఖాన్ 10 మినిట్ మే ఆయేగా, హమ్ లోగ్ ఏక ఘంటా మే ఆయేగా, ఆప్కు జహాన్ బోలే తో వహాన్। मैं इस मंच से यही बोलना चाह रहा हूं, पुलिस उनके जो जिम्मेदारी लोग हैं, एक ना एक दिन आने वाले दिनों में हुकूमत हमारे हाथ में आएगा। या आज के तारीख में हम डायरी में लिख रहे हैं हमारे बच्चों को जिसने जिसने कैसा लगा रहे, जिसने जिसको फंसा रहे, हर आदमी का पूरा हिसाब किताब लिख रहे, पूरा मिट्टी से फिर वापस देंगे, पूरा झुकाते, कोई किसी को छोड़ते नहीं। कोई डरने का कोई डरने का जरूरी नहीं है, हम लोग आपके साथ में रहेंगे। मैं यहीं जुबली में रहता हूँ, मलकाजगिरी से पार्लियामेंट मेंबर हूँ मैं, कोडंगल का भी हो कहीं पर भी हो एक घंटा में मैं इधर हासिल हो सकता हूँ। मेरा फिरोज भाई और अंजन अन्ना पहलवान के नाम पे चला लेने वाले कमाने वाले बहुत लोग हैं, मगर जो ओरिजिनल पहलवान है हमारे अंजन अन्ना, अंजन अन्ना के साथ अनिल हैदराबाद में जब भी जरूरत पड़े हम हासिल है। हम किसी को डरने का जरूरी नहीं है, नीयत से लकीर खींच कर लड़ेंगे। वो कोई भी हो आगे वाले, कोई डरने का नहीं, जो डर गया वो मर गया, जो डरे वो मरे। इतना ये आप देख रहे होगा हम लोग कैसे लड़ रहा है, हम कोशिश कर रहा है ये कभी कांग्रेस पार्टी। फाइनली एक बात बोलना चाह रहा हूं, 94 से लेकर 2004 तक टीडीपी था, 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस था, 2014 से लेकर 10 साल टीआरएस होगा। आने वाले 10 साल अपना है, अपना राउंड आने वाले है, वो राउंड में हम होगा, आप होगा, हम सब मिलकर जैसा हुकूमत चलाना है वो हिसाब से चलाएंगे। आज के तारीख में अपने ऊपर जो जिसने जिसने जुल्म कर रहा है हर आदमी का हिसाब किताब बराबर झुकाएंगे, कोई डरने का बात नहीं है बोल के आप लोगों से मैं ये मीद अंदर दर सलू दीकुना सोदर लारा अंदर कल को जय कांग्रेस, जय कांग्रेस।